नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सपाटा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस। आप सभी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। ये जो वायरस है, इसने पूरी दुनिया भर देश दुनिया में अपने पैर फसाड़ लिए हैं और पूरा देश दुनिया इससे बहुत बुरी तरह से परेशान है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा डेथ हो रही है और ये बीमारी बहुत जल्दी से फैल रही है। मतलब एक छुआछीत की बीमारी है। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे पता लगेगा कि हमें कोरोना वायरस है या नॉर्मल फ्लू है। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, मुझे हल्का सा नॉर्मल फ्लू, सर्दी जुकाम, अभी भी मुझे हल्का सर्दी जुकाम है, पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि अभी है, पहले भी रहता था, कोरोना वायरस आने के पहले भी सर्दी जुकाम रहता था। तो बट जब इस वक्त हुआ तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गई कि आखिर इतना सर्दी जुकाम हो गया है, हल्का सा थ्रॉट पेन था। मैंने इसके लिए काफ़ी स्टडी करी, गूगल पे सर्च किया, चीन के बाहर के, इंडिया के बाहर के जो डॉक्टर्स थे, इंडिया के जो डॉक्टर्स थे उनके पोस्ट्स पढ़े मैंने। तो उससे जो निकल के सारी रिसर्च सामने आई, उससे ये आया कि जो सिम्टम्स हैं उनसे आप जज कर सकते हैं कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं। मैं आपको बताती हूँ वो सिम्टम्स क्या क्या हैं। अगर आपको सूखी खांसी आ रही है, ड्राई कफ है, गला सूखा है, सूखी खांसी आ रही है, तो ये कोरोना वायरस का सिम्टम हो सकता है। सिर्फ अगर ये है तो आपको कोरोना वायरस नहीं है। 15 दिन हो गए आपको सिर्फ ड्राई कफ है तो ये नॉर्मल फ्लू है। बट अगर आपको ड्राई कफ के साथ साथ 15 से 20 दिन होगा, आपको हाई ग्रेड फीवर है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको, तो ये कोरोना वायरस के लक्षण है। अगर इसके साथ साथ किसी किसी को अगर जॉइंट पेन है बहुत ज़्यादा, तो यह भी कोरोना वायरस का लक्षण है। किसी किसी को हाई फीवर के साथ दस्त हो जाती है, लूज मोशंस हो रहे हैं, यह भी कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स थे, मरीज थे, 40-50% लोगों में ये पाया गया कि उनको हाई फीवर के साथ लूज मोशन भी था। तो अगर आपको लूज मोशन है, थोड़ा सा ही काम करने के बाद आपको थकान लग रही है, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है पहले की तरह, और आपको हाई ग्रेड फीवर है, तो आपके कोरोना वायरस के लक्षण हैं। इसमें आपको करना क्या, अगर आपको कुछ भी इस तरह का फील होता है, आप फैमिली के साथ रहते हैं, तो आप अपने आप को तुरंत क्वारंटाइन कर लें, सेल्फ आइसोलेशन में रहें, किसी घर के किसी कमरे में आप अंदर रहें, ना बाहर भी ना निकलें। और अगर आपको घर से खाना पीना जो आप खा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, लिक्विड डाइट लें, जैसे गर्म पानी लें, ग्रीन टी हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गया, मिल्क ले रहे तो गर्म दूध ले, सूप ले, वेजिटेबल सूप इस समय बहुत आपको फायदेमंद देगा। जितना आप गर्म मतलब पी सकते हैं, आपके गले में आपको जले ना, उतना आप गर्म चीज़ें लें, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, पैक्ड फूड, सब कुछ अवॉइड करना है, भले आपको सिम्टम हो या ना हो, इस समय आपको सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। आप फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, सब लोग गर्म पानी में नमक डाल के गार्गिल करें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको नॉर्मल फ्लू, सर्दी जुकाम, खांसी है, तो इसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा हैंड वॉश करते रहना है, ये तो सबको पता है, हर जगह बताओगे कि हैंड वॉश करना है, आपको हर एक डेढ़ घंटे में हैंड वॉश करना है। बाहर जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो 1-2 मीटर की डिस्टेंस बना के बात करनी है। अगर आपको छींक आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, तो आप एल्बो का यूज़ करें, ना कि हाथ का यूज़ करें, आप टिश्यू पेपर का यूज़ करें। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी तक आप किसी से मिले थे, वो सब चीज़ें भूल जाओ कि मैं किससे मिला था, क्या था, दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम नहीं है कोई सिम्टम, 20 दिन तक या 25 दिन तक वेट करो आप, नहीं है तो आपको कोरोना वायरस नहीं है, नॉर्मल फ्लू है। नॉर्मल फ्लू में बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी है, एक एक दो दो महीने तक बना रहता है, नहीं सही होता है, इस टाइप से हल्का हल्का बना रहता है, कंटिन्यूस में रहता है, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाई ग्रेड फीवर है, थकान है, ज्वाइंट पेन है, सांस लेने में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी, ऐसा लगेगा बस सांस ही नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी सांस को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोक पाओगे। अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट हो तो आप एक टेस्ट कर सकते हैं, घर में ही अपने फ़ोन में लगा लें, सेट कर लें टाइमिंग, और सांस अपनी अंदर लें, और अगर आप 30-35 सेकेंड या 25-30 सेकेंड तक भी ले पा रहे हैं, कम से कम,
तो आपको कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना वायरस का पेशेंट 10 सेकेंड से भी ज़्यादा सांस नहीं रोक पाएगा। इन सब सावधानियों को आप बरतें, हैंड सैनिटाइज करें, डोर सैनिटाइज करें, घर के बाहर सोशल नेटवर्किंग बिल्कुल छोड़ दें, लोगों से कम मिलें, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं अगर आपको उनसे बात करने का मन हो रहा है, मिलने का मन हो रहा है तो आप उनसे फ़ोन कॉल पे बात करें, वीडियो कॉलिंग करें, सोशल नेटवर्किंग का यूज़ करें। सोशल नेटवर्किंग का आप यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज ऑनलाइन कन्वे कर सकते हैं, बट आप लोगों से कतई ना मिलें। अपने अगर फैमिली मेम्बर चाचा बुआ ताऊ नाना दादी आसपास में रहते किसी से भी नहीं मिलना है, क्यों मिलना ही नहीं है, आपको घर में रहना है। घर से बाहर कब निकलना है, बहुत नेसेसरी है तो निकलना है। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या आप पुलिस में हैं, आप कोई एनजीओ चला रहे हैं, आप कोई किसी बच्चों का अगर संस्थान चला रहे हैं, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, आप सफाई कर्मचारी हैं, आपको किसी भी चीज़ों के लिए अगर बाहर जाना पड़ रहा है किसी की हेल्प के लिए, या आप कोई कैब सर्विसेज है आपको जाना पड़ रहा है, तो इसमें आपको कुछ सावधानियाँ जो बरतनी है, हैंड ग्लव्स पहने, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, सॉक्स पहने, शूज पहने, अपने जो माथा है इसको पूरा कवर करें, मास्क अच्छे से लगाएं, हो सके तो मास्क से पहले आप एक नैपकिन आता है, नैपकिन आपके पास कॉटन का सबके पास होगा, उस नैपकिन को पूरा इस तरह से कवर करें ताकि आपके ईयर्स और जो पूरा माउथ है नोज सब कुछ कवर हो जाए, उसके बाद आप मास्क लगाएं। इससे क्या होगा कि आपको कभी भी कोई आपके पास छींकता भी है या कुछ फ्लू सा आता भी तो आपके पास नहीं आ पाएगा, आप इस चीज़ से बच जाएंगे। बाकी आपको अगर नॉर्मल फ्लू है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो बिल्कुल पैनिक होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे टाइम के साथ सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कोरोना वायरस के क्या लक्षण है पहले, अगर आपको वो लक्षण लगते हैं तो आप 14 दिन क्वारंटाइन हो जाएं, आपके लक्षण धीरे धीरे सामने आ जाएं, घर वालों से भी डिस्टेंसिंग रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्ग का विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, उनको इस बीमारी से लड़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, शायद वो ना सही हो पाए, तो आप उनसे दूर रहें और आप घर में सभी लोगों से दूर रहें, किसी से मिले ना। और नॉर्मल फ्लू में आप एक पैरासीटामोल की टेबलेट ले सकते हैं, अगर गला दर्द हो रहा है तो आप गले दर्द के लिए, तो सोर थ्रॉट के लिए आती है वो टेबलेट ले सकते हैं। अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जी खाएं, दाल खाएं, हल्का भोजन लें, मसालेदार फूड बिल्कुल ना खाएं ताकि आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाए, आपको डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़े। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जाना भी अवॉइड करना है। अपने बच्चे अगर छोटे हैं घर पे तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको मतलब मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाएं, ना तो उनको ठंड लगे ज़्यादा ना उनको गर्मी लगे, ताकि बच्चों को जो ये कठिन समय हमारे देश में चल रहा है ना, इस समय अपने बच्चों को बचा के रखें। समय बहुत जल्दी चला जाएगा, जिस तरह से सरकार सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं तो ये समय बहुत जल्दी से दूर हो जाएगा। आपको बस हम सबको मिलकर, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना है। और अगर हम सब एकजुट होकर जिस प्रकार से हमारी भारत सरकार ने निर्देश दिए हैं उसको हम अपनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे, उस पर अगर चलेंगे तो हम इस कोरोना वायरस जैसी महामारी जो चीन के द्वारा हमें दी गई है, चीन ने कुछ ना कुछ तो हमें महामारी दी है जिसको हम वापस चीन को ही लौटा देंगे। बस इसी तरह की आप अपनी अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बिल्कुल भी बाहर ना निकले, घर में रहें, स्टे होम स्टे सेफ। हमारी सेफ्टी के लिए हमारे भगवान डॉक्टर्स बाहर हैं, पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए बाहर हैं, गवर्नमेंट ने इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, खाना ट्रीटमेंट के लिए नए नए हॉस्पिटल्स इंडिया में बन रहे हैं, ट्रेन को हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, हमें बस घर में रह के हमारी गवर्नमेंट की, हमारी देश दुनिया की, हमारे आस पड़ोसियों की, हमारी फैमिली की हेल्प करनी है। मैं एक बार आप सभी से निवेदन करूंगी, प्लीज़ जब तक नेसेसरी ना हो आप लोग घर में ही रहें और अपने हाथ धोने का, छींकने खांसने का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हम सभी इस कोरोना वायरस से मिलकर लड़ लेंगे, आप सभी किसी को भी कोरोना वायरस कभी भी ना हो, यही मेरा भगवान से विनती है।
इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल सपाटा न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।